तुम लाख कोई अड़चन लगा दो, तुम लाख कोई अड़चन लगा दो, तुम राह में मेरे कांटे बिछा दो। जो राह मैंने ठान ली तो बिन तय किए रुकता नहीं, जब सपनों की बात हो तो किसी की सुनता नहीं। मित्र, स्वागत है आपका अचलक्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। ज्योग्राफी हम लोग पढ़ रहे हैं सीरीज में, और ज्योग्राफी की 6 क्लासेस हो चुकी हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया में हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, भारत के नामकरण, उसकी अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार, उसके अंतिम बिंद, उसके जो है चौतरफा अंतिम बिंद पढ़ चुके हैं हम लोग, उत्तर से पूरब, पश्चिम से पूरब, उसकी सारी डिटेल को पढ़ चुके हैं। आप लोग जैसे पढ़ रहे हैं ऐसे क्लास पढ़ते रहिए, और लगातार बस कुछ ही दिनों में आप लोग के लिए मैं बहुत ही जल्द पॉलिटी की सीरीज लेकर आने वाला हूँ 1000+ क्वेश्चनों का। और जैसे ही ज्योग्राफी ख़त्म होगा इसकी पूरी अभ्यास पत्र, ज्योग्राफी जैसे ख़त्म होगा लगभग 1000 क्वेश्चन इसके सेट को मैं कराऊंगा। इंडियन ज्योग्राफी लगातार आपको पढ़ा रहा हूँ मैं, बहुत ही जल्द आपकी इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट होगी, और आपको एकदम फ्री कोई भी जो भी बैच आपने किसी भी चैनल से कहीं भी परचेज किया होगा उससे कई गुना आप बेहतर पाएंगे। ये मेरा पूरा प्रयास है कि मैं उससे कई गुना आपको बेहतर दूं, ठीक है। लोगों का ये उद्देश्य है कि मैं एजुकेशन सस्ता कर दूं, मेरा यह मानना है कि मैं एजुकेशन ही फ्री कर दूं। शिक्षा जीवन जीने की तैयारी नहीं होती, शिक्षा ही जीवन होता है। तो अगर शिक्षा ही जीवन है और मैं अगर आपको जीवन दे पा रहा हूँ, अगर आपके सपनों में मेरा जरा सा भी योगदान है, अगर आपके लक्ष्य तक पहुँचाने में कुछ भी अगर योगदान कर पाऊं तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। जो अपने सपने नहीं पूरा कर पाते हैं वो दूसरों के सपनों को पूरा करते हैं। अगर मेरे सपनों में कहीं कोई कमी रह गई है जो मैं नहीं पहुंच पाया हूं, तो मैं आपको आपके सपनों तक अगर पहुंचा पाया हूं तो मैं समझ जाऊंगा कि अगर आप अपने सपनों तक पहुंचे तो मुझे ये सेटिस्फेक्शन जरूर मिलेगा कि मैं असफल हो गया, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह एक सवाल से। आप लोग जो सवाल के उत्तर दे रहे हैं बहुत अच्छे उत्तर दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चे एकदम सही उत्तर दे रहे हैं। आज की सवाल है, और क्लास में जैसे बताता हूँ हमेशा की तरह क्लास की शुरुआत हम लोग सवाल से ही करेंगे। तो जो पीछे पढ़ा चुके हैं उनमें आपको बताना है सवाल, मैं सवाल लिख रहा हूँ आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। चलिए सवाल देखिए, सवाल है निम्न में से कौन सा एक राज्य है, कौन सा एक राज्य है जो 3 देशों के साथ, 3 देशों के साथ अपनी सीमा नहीं साझा करता है। आपको ध्यान देना है कि इनमें से कौन सा एक ऐसा राज्य है जो 3 देशों के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। ये रहा आपके सामने ऑप्शन, ऑप्शन देखिए, ये है आपका क्वेश्चन, और ये रहा आपके सामने क्या ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1 सुने लद्दाख, ऑप्शन नंबर 2 सुने मिजोरम, ऑप्शन नंबर 3 अरुणाचल प्रदेश, और ऑप्शन नंबर D है आपके सामने वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। ये 4 ऑप्शन हैं, आराम से सवाल को पढ़िए। सवाल हमेशा इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि सवाल मैंने पढ़ाए हैं आपको, और पढ़ाया है तो पूछने का हकदार हूँ। सही सवाल, एकदम परफेक्ट सवाल लिखा है, एकदम परफेक्ट उत्तर रखा है, सही उत्तर चूज करें, कमेंट बॉक्स नीचे है, एकदम कमेंट बॉक्स को आपको भर देना है, ठीक है। चलिए बताना है आपको उत्तर। चलो आज के सवाल की शुरुआत करते हैं, आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। अब हम लोग आज हम लोग को पढ़ना क्या है, तो इसको मैं हटाता हूँ और बताता हूँ आपको कि आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज किस बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की स्थलीय
तटीय और जलीय सीमा, ये तीन चीज पढ़ूंगा। भारत की स्थलीय, तटीय और जलीय सीमा। आप कहोगे सर कि आपने दो ही सुना है, हो सकता हो कुछ लोगों ने दो ही सुना हो, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन बेटा सीमाएं आपको तीन पढ़नी ही पढ़नी है। भारत की तीन सीमाएं पढ़नी है पढ़नी है, कोस्टल एरिया, नॉटिकल एरिया और लैंड एरिया, तीन बॉडी आपको पढ़ना ही पढ़ना है। आप बहुत सारे बच्चों के लिए जो जलीय सीमा है, ये तटीय और जलीय दोनों एक ही समझ रहे होंगे, लेकिन बेटा ये दोनों एक ही नहीं है, इन दोनों में बहुत मूलभूत अंतर है, बहुत ही मूलभूत अंतर है, काफ़ी अंतर है जो इस अंतर को आपको जानना है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या, स्थलीय सीमा। तो एक बार आप इस भारत को देखिए, अपने प्यारे भारत को यहाँ देखते हैं आप, इस भारत को आप देखें, चलो देखो इसको आप, स्थलीय सीमा। थोड़ा सा मैं आपको एक मैप और दिखाने का प्रयास करता हूँ, अगर आप ये मैप देख पाए, चलो इसको देखता हूँ, इस मैप को अब आप देख लें, इसको देखें, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, इस मैप को आप देखें, अगर आप स्थलीय सीमा को ठीक से देखें भारत के, तो इधर तो अरेबियन सी आपको दिख रहा है, इधर बे ऑफ बंगाल दिख रहा है, और नीचे आपको इंडियन ओशन, नीचे क्या, इंडियन ओशन, अरब सागर, हिंद महासागर दिख रहा है, अरब सागर दिख रहा है। लोकेशन पहले से ही आपको बेटा बता चुका हूँ, ये क्या है, दक्षिण पश्चिम, ये क्या है, दक्षिण पूर्व, और नीचे क्या है, दक्षिण, ये तो आप जान ही रहे हैं। चलिए स्थलीय सीमा अगर देखते हैं तो बेटा आप ये भी जानते हैं ये रेखा कौन सी गुजरी है, तो आप कहोगे सर ये मैं पहले से पढ़ा चुका हूँ, ये रेखा क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी ये रेखा क्या है, कर्क रेखा है। कहोगे सर ये कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा है बेटा, तो आप बताओ यहाँ क्या पढ़ा है आप लोगों ने, यहाँ क्या पढ़ा है, पाकिस्तान, यहाँ क्या पढ़ा है आप लोगों ने, अफगानिस्तान, यहाँ कौन सा पड़ोसी देश बेटा पढ़ा दिया है, तो आप कहोगे सर यहाँ पढ़ाया है क्या, चीन, ये पढ़ा दिया बेटा आपको चीन, ये क्या पढ़ाया आपको, नेपाल, यहाँ भूटान, और यहाँ म्यांमार, यहाँ क्या है, म्यांमार है। तो बच्चे अगर आप ठीक से समझें तो कर्क रेखा के ऊपर वाला एरिया कैसा है, स्थलीय, कर्क रेखा के ऊपर वाला एरिया कैसा सीमा बनाएगा, स्थलीय, और कर्क रेखा के नीचे वाला सीमा कैसा बनाएगा, तटीय, कैसे सीमा बनाएगा दोस्त, तटीय सीमा। कर्क रेखा के नीचे वाला एरिया कैसे बनाएगा, तटीय सीमा। तो सबसे पहले हम इन्हीं में देखे थे स्थलीय सीमा के साथ कितने पड़ोसी देश आपको बताया था दोस्त, तो आप कहोगे सर सात पड़ोसी देश बताया था, कितने पड़ोसी देश, सात पड़ोसी देश, तो ये सात पड़ोसी देश स्थलीय सीमा के साथ लगे हुए हैं, कितने पड़ोसी देश, सात। चलो ठीक है, अब बात करते हैं अपने टॉपिक पर, तो सवाल आते हैं अपने टॉपिक पर, यहाँ से यहाँ तक जो सीमा होगी वही स्थलीय सीमा होगी, और ये कितना है, ये 15,200 किलोमीटर है, कितना है ये, 15,200 किलोमीटर है, ये 15,000 क्या है, 200 किलोमीटर है, और 15,200 किलोमीटर ही क्या है, भारत की स्थलीय सीमा है। तो भारत की स्थलीय सीमा की बात करें, अगर हम लोग लिखना चाहें कि स्थलीय सीमा, ये हेडिंग आप लोग अपने कॉपी पर डाल लीजिएगा, भारत की तटीय, स्थलीय और जलीय सीमा, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या कि भारत की स्थलीय सीमा, तो अगर बात करेंगे भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है, 15,200 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है, 15,200 किलोमीटर है। अस्पष्ट हुआ, चलो अब बात करेंगे क्या, तटीय सीमा। अब बात करेंगे हम लोग क्या, तटीय सीमा। तो ध्यान देना बेटा, दो तटीय सीमा आपको समझना पड़ेगा, दो तटीय सीमाएं समझना पड़ेगा। थोड़ा फिजिकल वाले मैप को छोटा करते हैं और पॉलिटिकल वाले मैप को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब इसको देखते हैं, आप तटीय सीमा देखें भारत की, आप भारत की अगर तटीय सीमा देखेंगे
तो तटीय सीमा में आपको कुछ देखना ही पड़ेगा, वो ये देखिए आप, ये जो रेड से मैं खींच रहा हूं इसको आप देखिएगा, ये वाला एरिया बेटा, ये वाला एरिया, चलो ये देखो आप जरा, ये देखो यहां तक क्या जाएंगे तटीय सीमा, यहां तक क्या जाएंगे ये तटीय सीमा, लेकिन क्या इतना ही तट होगा, क्या इतना ही तट होगा? जरा ध्यान दीजिएगा बेटा, बताओ यहां क्या लिखा है, अंडमान निकोबार, यहां क्या लिखा है, लक्षद्वीप, यहां क्या लिखा है, लक्षद्वीप। तो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप भी तो कोई तटीय सीमा बनाते होंगे, इसका मतलब यह है ये तो मुख्य भूमि की तटीय सीमा हो जाएगी। तो अगर केवल द्वीपों को छोड़ दें, अगर द्वीपों को छोड़ दें और कहें मुख्य भूमि की तटीय सीमा, मुख्य भूमि की तटीय सीमा क्या है, मुख्य भूमि की तटीय सीमा क्या है, तो आप मुख्य भूमि की तटीय सीमा बताएंगे कितना किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। कितने किलोमीटर मित्र, 6100 किलोमीटर। मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई कितना बताना है, 6100 किलोमीटर। लेकिन अगर द्वीपों सहित बात करें, अगर द्वीपों सहित बात करें, अगर द्वीपों सहित बात करें तो इसको भी जोड़ेंगे और इसको भी जोड़ेंगे। द्वीपों सहित बात करें तो दोनों को जोड़ेंगे, और अगर दोनों को जोड़कर बात करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर। तो जब तक आपसे मुख्य भूमि की तटीय सीमा नहीं पूछेगा तब तक आप उत्तर क्या लगाएंगे, 7516.6 किलोमीटर। क्योंकि अगर वो कहता है कि भारत की तटीय सीमा की लंबाई आप बताएं, भारत की तटीय सीमा की लंबाई अगर बताएं, अगर वो ये कह रहा है तो बेटा भारत में द्वीप भी क्या होंगे, शामिल होंगे, द्वीप भी शामिल होंगे, केंद्र शासित प्रदेश यानी जो द्वीप समूह है वो भी शामिल होंगे। ठीक है, तो भारत की, अब आ जाते हैं टॉपिक पर, तो ये बात आप लोगों ने समझ लिया। तो अगर हम लोग बात करेंगे क्या कि भारत के मुख्य भूमि तटीय सीमा की लंबाई, भारत के मुख्य भूमि के तटीय सीमा की लंबाई कितना है, 6100 किलोमीटर है। कितना है दोस्त, 6100 किलोमीटर है। तो ये तो आप लोगों ने जान लिया भारत के मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई कितना है, 6100 किलोमीटर है। लेकिन अगर बात करेगा वहीं पर द्वीपों सहित, अगर कहेगा द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई, एकदम स्पष्ट रूप से आपको उत्तर पता होना चाहिए, द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। कितना, 7516.6 किलोमीटर है। ये क्या हो गया, ये आप लोगों ने जान लिया स्थलीय सीमा और तटीय सीमा। अब अगर बात करें हम लोग कुल सीमा की लंबाई, यानी अगर इसकी बारे में बात करा जाए, अगर ये बात किया जाए दोस्त कि ये वाला एरिया कुल सीमा की लंबाई कितना पड़ेगा, अगर कुल सीमा की लंबाई पूछा जाए, ये टोटल एरिया पूछा जाए, कहा जाए ये कितना पड़ेगा टोटल एरिया, कुल सीमा की लंबाई कितनी पड़ेगी, तो कुल सीमा की लंबाई कितनी पड़ेगी, ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कहे कुल सीमा की लंबाई कितना है, ये अगर इसको ऐसे करके ये टोटल बात करे, ये टोटल लंबाई कितनी पड़ेगी, तो कुल सीमा की लंबाई क्या, स्पष्ट रूप से समझ जाओगे आप क्या कि 15200 तो स्थलीय हो गया, 15200 स्थलीय हो गया, और 7516.6 किलोमीटर क्या हो गया, तटीय हो गया। तो कुल जोड़ लेंगे तो 22716.6 किलोमीटर आएगा। कितना आएगा, 22716.6 किलोमीटर आएगा। तो नीचे हम लोग क्या लिख लेंगे, लिखेंगे क्या, कुल सीमा की लंबाई की अगर बात करेंगे,
कुल सीमा की लंबाई। तो क्या करेंगे आप? आप कहोगे सर जोड़ लीजिए क्या 15,200 किलोमीटर, क्या स्थलीय सीमा, इसको आप जोड़ लेंगे स्थलीय सीमा, और इसी के नीचे आप क्या लिख लेंगे क्या 7516.6 किलोमीटर, क्या लिखेंगे आप तटीय सीमा, यहाँ क्या लिखेंगे आप तटीय सीमा, और दोनों को जोड़ लोगे आप, दोनों को प्लस कर दोगे आप, और कितना आएगा ये 22716.6 किलोमीटर, 22716.6 किलोमीटर। ये क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा भारत की कुल सीमा की लंबाई, भारत की कुल सीमा की लंबाई ये हो जाएगा। अस्पष्ट हुआ? एक बार फिर से देखिएगा, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर, भारत के मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर, और भारत की द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर, और भारत की कुल सीमा की लंबाई कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर कुल सीमा की लंबाई कितना हो जाएगा, कुल सीमा की लंबाई 22716.6 किलोमीटर हो जाएगा। अब तटीय राज्यों की बात करेंगे हम लोग, तो अगला टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे, भारत के तटीय राज्य, भारत के तटीय राज्य, भारत के तटीय राज्य। ध्यान दीजिएगा बेटा, भारत के तटीय राज्य आपको पढ़ना है, तो तटीय राज्यों को जरा मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको, फिर आपको बताते हैं। देखिएगा तटीय राज्य आपको जानने हैं, चलो देखो, देख लो इसको, इसको देख लो आप, थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं। अब देखो तटीय राज्य आइए देखते हैं, यहां देखिएगा, अगर दो सीमाएं हैं, मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई और द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई, तो तटीय राज्य भी दो प्रकार से होंगे। ध्यान, एक द्वीपों वाले तटीय राज्य होंगे, और एक यानी एक केंद्रशासित प्रदेश तटीय राज्य होगा और एक तटीय राज्य होगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा मित्र, इस पर ध्यान दीजिए आप लोग, इस वाले डायग्राम पर ध्यान दीजिए जरा। चलो ये देखो, ये कौन सा राज्य है, गुजरात, तो गुजरात एक हो गया। ये कौन सा राज्य है, महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र कितना हो गया, दो। यहाँ क्या है, गोवा, यहाँ क्या है, कर्नाटक, यहाँ क्या है, कर्नाटक, और ये क्या है, तो कहोगे सर ये क्या है, केरल, ये है केरल, ये है तमिलनाडु, ये क्या है, आंध्र प्रदेश, और ये क्या है, उड़ीसा, और ये क्या है, वेस्ट बंगाल, क्या है ये, वेस्ट बंगाल। तो कितने तटीय राज्य हो गए दोस्त, नौ। कितने तटीय राज्य हो गए, नौ। लेकिन द्वीपों सहित अगर बात करेंगे तब, जब द्वीपों सहित बात करेंगे तो आंकड़े बदलेंगे फिर, अगर द्वीपों सहित बात करेंगे तो फिर आंकड़े बदल जाएंगे, आंकड़े बदल जाएंगे क्या, नौ, एक ये क्या हो जाएगा, अंडमान निकोबार, क्या हो गया, दस, क्या हो गया, दस, एक क्या हो गया, लक्षद्वीप, कितना हो गया, 11, लक्षद्वीप 11, एक दोस्त पुदुचेरी, पुदुचेरी कितना हो गया, 12, पुदुचेरी कितना हो गया, 12, और एक दादर नागर हवेली दमन व दीव, कितना हो गया, 13। तो अगर कुल तटीय राज्यों की बात करें, अगर कुल तटीय राज्यों की बात करें तो कितना हो जाएगा, 13, और अगर मुख्य भूमि की तटीय राज्यों की बात करें तो कितना हो जाएगा, 9, कितना हो जाएगा दोस्त, 9 हो जाएगा, मुख्य भूमि की तटीय राज्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 9। चलो तो ये मुख्य भूमि की तटीय राज्यों की संख्या कितना हो गया, 9 हो गया। तो यही लिख लेते हैं, यही आप लोग लिख लेंगे क्या, कि मुख्य भूमि की तटीय राज्य, मुख्य भूमि की तटीय राज्यों की संख्या 9 है। मुख्य भूमि की तटीय राज्यों की संख्या कितनी है, 9 है। चलिए अब हम लोग ये जानेंगे कि सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है और सबसे छोटा तटीय राज्य कौन सा है। ध्यान दीजिएगा, फिर से आते हैं यहाँ पर, देखो जरा, सबसे बड़ा तटीय राज्य की बात करेंगे, अगर आप सबसे बड़ा तटीय राज्य, तो पहले नंबर पर आप क्या लिख देंगे, गोवा, सॉरी क्या लिखेंगे आप, गुजरात। सबसे बड़ा तटीय राज्य आप क्या लिखेंगे, गुजरात, तो सबसे बड़ा तटीय राज्य गुजरात हो गया। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा तटीय राज्य आप क्या लिखेंगे, आंध्र प्रदेश। तीसरा सबसे बड़ा तटीय राज्य क्या लिखोगे दोस्त, तमिलनाडु, क्या लिखेंगे,
तमिलनाडु, और चौथा सबसे बड़ा तटीय राज्य आप क्या लिखोगे, महाराष्ट्र, क्या लिखोगे, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद पांचवा सबसे बड़ा तटीय राज्य क्या लिखोगे आप, केरल। छठा क्या लिखोगे आप, उड़ीसा। सातवां क्या लिखोगे, कर्नाटक। आठवां क्या लिखोगे, वेस्ट बंगाल। और नौवां क्या लिखोगे, गोवा। नौवां क्या लिखोगे, गोवा। तो सबसे बड़ा तटीय राज्य क्या लगाना है आपको, गुजरात। और सबसे छोटा तटीय राज्य क्या लगाना है दोस्त, गोवा। क्या लगाना है, गोवा। लेकिन अब ये नहीं पूछता एग्जाम में, अब आपको पेपर में सवाल देगा, सभी के आंकड़े आपको याद होना अनिवार्य है। कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे बड़ा है और निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे छोटा है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, आओ अपने टॉपिक पर। तो कितने तटीय राज्य हैं, नौ। तो इनको हम लोग क्या करेंगे, घटते हुए क्रम में लिख लेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे दोस्त, सबसे पहले क्या लिखोगे आप, गुजरात। चलो इसको हम लोग घटते हुए क्रम में लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, गुजरात। गुजरात, गुजरात के बाद, गुजरात के बाद क्या आप लिखोगे, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश क्या लिख लेंगे, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के बाद क्या लिखना है आपको, तमिल, तमिलनाडु। क्या लिखना है, तमिलनाडु। और तमिलनाडु के बाद आपको क्या लिखना है, तो कितने हो गए, आंध्र प्रदेश के बाद आपको क्या लिखेंगे आप, तमिलनाडु। और तमिलनाडु के बाद आप क्या लिखेंगे, महाराष्ट्र। क्या हो गया, महाराष्ट्र। गुजरात सबसे बड़ा, उसके बाद घटते हुए क्रम में जाएंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे, क्या बनेगा, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के नीचे, महाराष्ट्र के बाद जो छोटा देखेंगे वो क्या, केरल। और केरल के बाद छोटा देखोगे आप, क्या दिखाई देगा आपको, उड़ीसा। क्या मिलेगा आपको, उड़ीसा। क्या मिलेगा दोस्त, उड़ीसा। चलो यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया है, उड़ीसा। अब इसके बाद, उड़ीसा के बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या, कर्नाटक। उड़ीसा के बाद क्या मिलेगा, कर्नाटक। और कर्नाटक के बाद क्या मिलेगा, तो सर कहोगे कर्नाटक के बाद क्या मिलेगा, वेस्ट बंगाल। ये बी डब्ल्यू का मतलब वेस्ट बंगाल। और उसके बाद क्या मिलेगा आपको, गोवा। क्या मिलेगा, गोवा। ये मिलेंगे आपको तटीय राज्य, ये मिलेंगे आपको तटीय राज्य। अब जरा ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा क्या है, तो कहोगे सर सबसे बड़ा तटीय राज्य, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा तटीय राज्य, सबसे बड़ा तटीय राज्य गुजरात है। क्या है, गुजरात है। ठीक है, ये आप समझ गए एकदम बेसिक, यार जिसे बिल्कुल कुछ भी ना पता हो वो भी ज्योग्राफी सीख कर जाएगा। चलो ये हो गया, कहेगा सबसे छोटा तटीय राज्य, सबसे छोटा, सबसे छोटा तटीय राज्य। तो सबसे छोटा तटीय राज्य क्या हो जाएगा, गोवा। बाकी ये कैसे लिखे हैं, तो ये लिखे हुए किसे, घटते हुए क्रम में। कैसे लिखे हुए, ये घटते हुए क्रम में लिखे हुए हैं। एक बार आप जरा इस मैप को देखेंगे, एक बार आप एक मैप और भरेंगे, अगर मेरे साथ आप एक मैप भरेंगे, उस मैप को मैं यहाँ लेकर आता हूँ और आपको दिखाता हूँ, और उस मैप को आपको भरना है मित्र, ठीक है। चलो देखो, उस मैप को आपको भरना ही होगा। चलो एक ब्लैंक मैप आपके सामने देता हूँ मैं, और उसको आप भरिएगा, ठीक है। चलो ये देखो, इधर देख लेता हूँ, ये बताओ अब आप लोग बताओ, मैं समझ गया आपको पता चल गया होगा। सबसे बड़ा तटीय राज्य क्या यहाँ भर दूँ मैं, सबसे बड़ा तटीय राज्य क्या भरूँ यहाँ पर, गुजरात। गुजरात सबसे बड़ा तटीय राज्य, तो एक नंबर पे क्या लिख दूँ, गुजरात। दो नंबर पे क्या लिख दूँ, आंध्र प्रदेश। तीसरे नंबर पर तमिलनाडु। चौथे नंबर पर महाराष्ट्र। पाँचवें नंबर पर केरल। छठे नंबर पर उड़ीसा। सातवें नंबर पर कर्नाटक। आठवें नंबर पर वेस्ट बंगाल। और नवे नंबर पर क्या हो जाएगा, गुजरात, सॉरी क्या हो जाएगा, गोवा। क्या हो जाएगा, गोवा। तो गोवा सबसे छोटा तटीय राज्य, और क्या, गुजरात सबसे बड़ा तटीय राज्य। एक बार फिर भरेंगे आप लोग, क्या ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले क्या लिखोगे आप, गुजरात। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा तटीय राज्य, आंध्र प्रदेश। तीसरा सबसे बड़ा तटीय राज्य, तमिलनाडु। चौथा क्या लिखोगे आप, महाराष्ट्र। पाँचवा क्या लिखोगे आप, केरल। छठा क्या लिखोगे, उड़ीसा। सातवां क्या लिखोगे, कर्नाटक। आठवां क्या लिखोगे, वेस्ट बंगाल। और नौवां क्या लिखोगे आप, गोवा। क्या लगाओगे, गोवा। तो ये जान लिया आप लोगों ने तटीय राज्य। अब सवाल है कि द्वीपों से केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा तटीय राज्य, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यूटी में अगर हम लोग बात करें, अब यूटी में
तो यूपी, यूटी में तटीय राज्य देखो, यूटी केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, यानी यूटी में सबसे बड़े कौन कौन हैं। तो यूटी में सबसे बड़े अगर आप लोग जानेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर यूटी में सबसे बड़े जानेंगे आप, तो यूटी में सबसे बड़ा क्या मिलेगा आपको, अंडमान निकोबार, ठीक है, ये मिल जाएगा क्या आपको यूटी में, अंडमान निकोबार यह मिलेगा क्या आपको, एक यूटी अंडमान निकोबार। इसके बाद आप क्या लगाओगे मित्र, लक्षद्वीप। इसके बाद क्या लगाएंगे आप, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के बाद आप क्या लिखना है आपको, पुदुचेरी। क्या लिखना है आपको, पुदुचेरी। और पुदुचेरी के बाद आपको क्या लिखना है, दमन योम दीव। ये हो जाएगा क्या, ये घटते हुए क्रम में। ये कैसे है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में घटते हुए क्रम में, ये कैसे है घटते हुए क्रम में, ये कैसा है घटते हुए क्रम में, ठीक है। अब एक सवाल अगर आपसे पूछे जाए, अगर कहे भारत का द्वीपों सहित सबसे बड़ा तटीय राज्य, द्वीपों सहित सबसे बड़ा तटीय राज्य, तो दोस्त ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़े आपको बताने जा रहा हूं मैं। गुजरात की जो तट की लंबाई है, गुजरात के तट की लंबाई है 12-14 किलोमीटर, यानी 1200 लगभग 14 किलोमीटर। और अंडमान निकोबार की जो तट की लंबाई है ये लगभग है 1900 किलोमीटर। अब जरा ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट बात पर, गुजरात की तट की लंबाई 1214 किलोमीटर और अंडमान निकोबार की 1900 किलोमीटर। तो द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई अगर सवाल पूछे तो सही उत्तर क्या आ जाएगा, अंडमान निकोबार। सही उत्तर क्या आ जाएगा, अंडमान निकोबार। और अगर कुल तटीय राज्यों की संख्या पूछे आपसे, कुल तटीय राज्यों की संख्या पूछे, तो क्या हो गया 9, ये कुल तटीय राज्यों की संख्या अगर पूछी जाए आपसे तो आप कहोगे कि सर 9+4 और 9+4 कितना होता है टोटल 13, कितना होता है टोटल 13। 9 तो हो गए मुख्य भूमि के तटीय राज्य और 4 हो गए यूटी, 4 क्या हो गए यूटी, और 9+4 कितना हो गया 13। तो कुल तटीय राज्यों की संख्या कितनी हो गई, 13 हो गई। सबसे बड़ा तटीय राज्य क्या बताया बोलो जरा, गुजरात। और सबसे छोटा तटीय राज्य क्या बताया, बताओ बच्चा, गोवा बताया, क्या बताया, गोवा। और अंडमान निकोबार की जो तट की लंबाई का कॉम्प्लेक्ट है, इसका जो विवाद है, ये कैसे पेपर में कभी अंडमान निकोबार कभी गुजरात स्वीकार हो जाता है, ये बात आप जरा ध्यान से देख लीजिए। द्वीपों सहित पूछे तो अंडमान निकोबार की तट की लंबाई 1900 किलोमीटर है और गुजरात की तट की लंबाई 1214 किलोमीटर है। तो अगर ये तट की भी कॉन्फ्लिक्ट आता है तो आप फिर उत्तर क्या लगा देंगे, अंडमान निकोबार लगा देंगे। ये जान लिया आप लोगों ने भारत के तटीय राज्य। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको जानना है क्या, एक ये जो पुदुचेरी है, पुदुचेरी एक ऐसा यूटी है जो 3 राज्यों में फैला है, पुदुचेरी ऐसा यूटी है जो 3 राज्यों में फैला है। तो आपको एक चीज बना लेना है, आपको बहुत अच्छी चीज आपको जान लेनी है क्या, पुदुचेरी के बारे में थोड़ा सा आपको जान लेना है। बहुत कुछ पॉलिटी में आप जानेंगे, यहाँ केवल हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आपको ज्योग्राफी के बारे में जानना है। बेटा पुदुचेरी कैसा राज्य है जो 3 राज्यों में फैला है, पुदुचेरी कैसा यूटी है जो 3 राज्यों में फैला है। ध्यान दीजिएगा, पुदुचेरी के एक जिला है जिसका नाम है यमन, और ये यमन जो है किसका जिला है, ये पुदुचेरी का जिला है, पुदुचेरी या जिसे आप पांडिचेरी कहते हैं। तो यमन कहाँ फैला है, पुदुचेरी में, कहाँ पर, पुदुचेरी में। यमन कहाँ फैला है, पुदुचेरी में। यमन है पुदुचेरी का जिला, लेकिन ये स्थित कहाँ पर है, तो आप कहोगे सर ये स्थित है कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। यमन कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश में। उसके बाद पुदुचेरी का ही 2 जिले हैं, एक है स्वयं पुदुचेरी, एक आपको बताना स्वयं पुदुचेरी, और एक पुदुचेरी का जिला है कराईकल, क्या नाम है उसका, कराईकल। और ये दोनों कहाँ पड़ेंगे, तो ये दोनों पड़ेंगे तमिलनाडु में। ये दोनों कहाँ पर पड़ेंगे, तो आप कहोगे सर ये दोनों पड़ेंगे कहाँ पर, तमिलनाडु में। कहाँ पर, ये दोनों कहाँ पर स्थित हैं, तमिलनाडु में स्थित हैं। पुदुचेरी का एक जिला और बहुत इंटरेस्टिंग है जो आपको जानना है, क्या है,
इस जिले का नाम क्या है, तो आप कहोगे सर इस जिले का नाम क्या है, माहे है। क्या नाम है इसका, माहे। माहे और ये कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है कहाँ पर, केरल में। माहे कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है कहाँ पर, केरल में। अब माहे किसका जिला है, तो ये तो जिला है किसका, पुदुचेरी का, पुदुचेरी का। अब बेटा आपसे सवाल पूछेगा, कहेगा भारत का सबसे छोटा जिला, भारत का सबसे छोटा जिला तो पुदुचेरी का क्या है, माहे, लेकिन स्थित कहाँ पर है, केरल में। तो आप क्या बताओगे इसके बारे में, आप इसके बारे में बताओगे यह भारत का, यह भारत का सबसे सबसे छोटा जिला है, ये भारत का सबसे छोटा जिला है। तो अब आपसे सवाल है, आप कमेंट में उत्तर देंगे कि भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, इसके बारे में आप कमेंट में उत्तर देंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, आपने तटीय राज्य पढ़ लिया, यूटी पढ़ लिया, उसकी स्थलीय और तटीय सीमा पढ़ लिया भारत की। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ तो आप लोगों ने जान लिया कि एक पुदुचेरी राज्य है। पुदुचेरी क्या है, जो कितने राज्यों में फैला है, जो तीन राज्यों में फैला है। पुदुचेरी का इकलौता राज्य जो कितने राज्यों में फैला है, तीन राज्यों में फैला है। ठीक है, आप ये बात समझ गए हैं। चलिए एक बात आपको और याद रखना है, जो आपको डायग्राम में ही बनाना है और बना के उसको याद भी रखना है, और बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। सवाल है, श्रीलंका भारत के साथ क्यों है, मोहब्बत में है, नहीं मोहब्बत में नहीं है श्रीलंका मित्र, श्रीलंका मोहब्बत में नहीं है, कोई ना कोई कारण है। तो अगर हम लोग श्रीलंका की बात करें, चलो मैं इसको मैप पर भी आपको दिखा सकता था, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मैप बनाएं, जैसे भी बनाएं लेकिन आप बनाएं। चलिए देखिए आप, यहां पर मित्र क्या है, ये श्रीलंका है, यहां पर एक द्वीप फैला है, एक ब्रिज गुजरा है। अगर इस ब्रिज के नाम की बात करें, तो इस ब्रिज का नाम है आदम ब्रिज। क्या नाम है इसका, आदम, या फिर लिखा मिलेगा क्या, एडम, एडम ब्रिज। क्या लिखा मिलेगा, एडम ब्रिज है, आदम ब्रिज या एडम ब्रिज है। और ये आदम ब्रिज और एडम ब्रिज पर एक आइलैंड स्थित है, इस आइलैंड को आपको जानना है। इस आइलैंड का नाम है, एक द्वीप है, इस द्वीप को मैं थोड़ा सा दूसरे कलर में बनाता हूं ताकि थोड़ा बड़ा दिखाई दे आपको। इस द्वीप पर एक आइलैंड स्थित है, इस आइलैंड का नाम है पंबन द्वीप। इस आइलैंड का नाम क्या है, पंबन द्वीप है। यह राज्य तमिलनाडु है, यह देश श्रीलंका है। देश का नाम क्या है, श्रीलंका है। ठीक है, ये श्रीलंका है, ये पंबन द्वीप है दोस्त। और पंबन द्वीप पर आपको दो स्थान याद रखने हैं। ये जो ऊपर स्थान है, इसका नाम रामेश्वरम है। ऊपर जो स्थान है, इसका नाम रामेश्वरम है। और ये जो नीचे स्थान है, इसका नाम क्या है, धनुषकोड है। इसका नाम क्या है, धनुषकोड है। तो सवाल पूछेगा आपसे, श्रीलंका से सबसे नजदीक क्या स्थित है, तो आप क्या बताएंगे, धनुषकोड बताएंगे। अब बेटा ये वाला एरिया आप क्या बताओगे, ये जल है, और ये जो है, ये जल जो है, ये वाला जल, इसको आप क्या नाम दोगे, इसको आप नाम दोगे क्या, ये है दोस्त, इसको आप नाम दोगे क्या, ये है, इसको बोलेंगे आप मन्नार की खाड़ी। क्या कहोगे आप इसे, मन्नार की खाड़ी। ये क्या है, मन्नार की खाड़ी है। तो श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच क्या स्थित है, मन्नार की खाड़ी। और अगर आप एटलस देखोगे, तो कभी जब एटलस देखोगे तो यहाँ आपको कुछ दिखाई देगा, यहाँ पर आपको दिखाई देगा। मेरा मानना है कि आप डायग्राम बनाएं, यार दिखा तो हर कोई सकता है, अगर सब कुछ दिखा दिया जाए तो फिर मेरा क्या काम होगा है। अगर सब कुछ मैं आपको डिजिटल बोर्ड पर ही प्रेजेंट कर दूं और सब कुछ बना बनाया ही दिखा दूंगा, तो फिर मैं आपको पढ़ाने क्यों आया हूं, बताने क्यों आया हूं, सिखाने क्यों आया हूं, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। चलिए अगर यहां बात किया जाए, तो ये क्या है, तो आप कहोगे सर ये क्या है, तो ये है पाक की खाड़ी, ये है पाक की खाड़ी, पाक की खाड़ी है। ठीक है,
अब इसी रामेश्वरम को लेकर, इसी पंबन द्वीप को लेकर भारत और श्रीलंका के बीच क्या है, विवाद है। इसी को लेकर भारत और श्रीलंका के बीच क्या है, विवाद है। इनके बीच क्या है, विवाद है। अब इसी विवाद को निपटाने के लिए हम लोगों ने क्या काम किया है, बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है, उस काम को आपको लिखना ही पड़ेगा। इस विवाद को निपटाने के लिए हमने क्या काम किया है, यहाँ एक जलसंधि बना लिया है, यहाँ एक जलसंधि बना लिया है। ये मैंने प्लस से आपको जलसंधि दिखा दिया है, और इस जलसंधि का नाम आपको याद रख लेना है। क्या है ये? पाक जल संधि। खूब एग्जाम में पूछता है आपके पाक जल संधि। श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच, या आप कहें किसके बीच स्थित है, तो आप कहोगे सर ये स्थित है किसके, भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। किसके बीच? भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आपसे कहेगा पाक जल संधि किसको किसको जोड़ता है। जल संधियां दो जलीय भाग को जोड़ती हैं, और जो स्थलीय खंड भाग को क्या करती हैं, अलग करती हैं। दो जलीय भाग को जोड़ेंगी और दो स्थलीय खंड को अलग करेंगी, तो भारत श्रीलंका को क्या करेंगी, अलग करेंगी। लेकिन 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 उत्तर बताना है आपको, क्या आपको बताना है कि पाक की खाड़ी, पाक की खाड़ी, और क्या, और कहोगे सर मन्नार की खाड़ी, पार की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी, इनको क्या करेगा, इनको जोड़ेगा, इनको क्या करेगा, जोड़ेगा। तो पाक जल संधि का क्या काम है, पाक की जल संधि का काम है क्या, मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को क्या करना, जोड़ना। और भारत और श्रीलंका को क्या करेगा, ये सेपरेट करेगा। भारत श्रीलंका को क्या करेगा, ये अलग करेगा। कौन? पाक की खाड़ी। इतनी बातें स्पष्ट हुई, एक बार आप फिर से देख लीजिए आपको क्या क्या बताया, जरा ध्यान दीजिएगा। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितना, 15,200 किलोमीटर बताया आपको। भारत के मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर, द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई 75.16 किलोमीटर, कुल सीमा की लंबाई दोनों को जोड़ लिया और कितना आया, 22,716.6 किलोमीटर आया। इसके बाद हम लोगों ने जाना क्या कि भारत के तटीय राज्यों की संख्या कितनी है, मुख्य भूमि की तटीय राज्यों की संख्या कितनी है, 9, लेकिन कुल तटीय राज्यों की संख्या कितनी है, 13। अगर हम लोग बात करें सबसे बड़ा तटीय राज्य तो क्या, गुजरात, और सबसे छोटा राज्य की बात करें तो क्या, गोवा निकलेगा। लेकिन अगर द्वीपों, अगर यूटी की बात करें तो अंडमान निकोबार लक्षद्वीप पुदुचेरी दमन व दीव, ये क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे आपके तटीय राज्य बन जाएंगे, ये यूटी तटीय राज्य बन जाएंगे। उसके बाद क्या बताया आपको, पुदुचेरी के बारे में जानना था, तटीय राज्यों में क्या, पुदुचेरी के बारे में क्या जानना था, इंपॉर्टेंट बात जानना था। पुदुचेरी के 4 जिले 3 राज्यों में फैले हैं, यमन कहाँ पर, यमन आंध्र प्रदेश में, पुदुचेरी और कराईकल तमिलनाडु में, और केरल कहाँ पर है, माहे में, और यही माहे भारत का सबसे छोटा जिला है। आपसे एक सवाल भी पूछा है, सवाल क्या पूछा है आपसे कि भारत का सबसे छोटा जिला जो माहे है वो किस राज्य में स्थित है, तो आप बता देंगे केरल में, लेकिन पूछ लिया किसका जिला है तब आपको केरल नहीं बताना है, तब उत्तर सही जवाब क्या हो जाएगा, तब उत्तर मित्र क्या बताओगे आप, पुदुचेरी का जिला है। इसके अलावा आपको क्या बताया, इसके अलावा आपको बताया भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच का जो मामला है वो क्या है, पाक जल संधि के बारे में, आदम ब्रिज के बारे में, आदम ब्रिज पर ही क्या स्थित है, पंबन द्वीप, आदम ब्रिज पर ही क्या स्थित है, पंबन द्वीप। पंबन द्वीप श्रीलंका भारत के बीच विवादित था, इसी विवाद को निपटाने के लिए हम लोगों ने क्या बनाया, पाक जल संधि, जो भारत श्रीलंका को क्या किया, अलग किया। मन्नार की खाड़ी श्रीलंका को क्या किया, जोड़ा। नीचे क्या मिलेगा, मन्नार की खाड़ी, इधर क्या मिलेगा आपको, पाक की खाड़ी। अब आ जाएंगे हम लोग किस पर, जलीय सीमा पर। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, जलीय सीमा। चलो अब बात करते हैं किसकी, जलीय सीमा की, ठीक है। चलो जलीय सीमा की बात करते हैं। बेटा इस इमेज को थोड़ा ठीक से देखो आप, मान लीजिए यहां पर कुछ निकल आया, यहां पर कुछ निकल आया, तो आप कहोगे सर यहां बंगाल की खाड़ी है, यहां क्या है, बंगाल की खाड़ी है। हाँ सही कह रहे हैं आप, बंगाल की खाड़ी है, कोई बात नहीं। यहाँ क्या कहोगे आप, अरब सागर है, ये भी बात आपने सही कहा, अरब सागर है। यहाँ क्या कहा आपने, हिंद महासागर,
आपने क्या कहा, यहाँ है हिंद महासागर। चलो ठीक कहा आप लोगों ने, यहाँ क्या है, हिंद महासागर है। सवाल है आपसे, ध्यान देना, अगर यहाँ कुछ मिल जाए तो फिर किसका होगा, कौन लेगा? क्योंकि भारत ने तो अपने कोस्टल एरिया यहीं ख़त्म कर दिया, यहीं तो कोस्टल एरिया हमारी ख़त्म हो गई। तो अगर भारत ने कोस्टल एरिया ख़त्म कर दिया तब तो मामला विवादित हो जाएगा। तो अगर किसी देश की सीमा, अगर किसी देश की सीमा किसी सागर महासागर समुद्र या खाड़ी से लगी है तो वहाँ भी उसका अधिकार होगा। कहाँ तक अधिकार होगा, उसको क्या कहेंगे? तो जलीय सीमा आपको जानना है क्या, जलीय सीमा में, जलीय सीमा, जलीय सीमा, तीन बातें आपको जलीय सीमा में जानना है। अगर इस तट से, अगर इस तट से 12 नॉटिकल मील, एक नॉटिकल मील में 1.8 किलोमीटर होता है, नॉटिकल मील, नॉटिकल मील, अगर एक नॉटिकल मील में 1.8 किलोमीटर होता है, अगर किसी देश की सीमा सागर महासागर समुद्र या खाड़ी से जुड़ी हुई है तो उसका समुद्र में भी अधिकार होगा। और ये अधिकार तीन बार से तय होगा, कितना, किससे, नॉटिकल मील से, इसे आप हिंदी में समुद्री मील कह सकते हैं। अगर इसी तट से चाहे इधर चले जाएं, चाहे इधर चले जाएं, और चाहे इधर चले जाएं, चाहे जिधर चले जाएं आप, तो आप क्या कहलाएंगे, इसको कहलाएंगे क्या, ध्यान दीजिएगा, तीन जलीय सीमाएं पढ़नी है आपको, क्या एक पढ़ना आपको, क्या 12 नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल मील क्या कहलाएगा, प्रादेशिक, प्रादेशिक सीमा, 12 नॉटिकल मील प्रादेशिक सीमा, 12 नॉटिकल मील क्या कहलाएगा, प्रादेशिक सीमा। अब इसके बारे में आपको क्या रखना है, यहां तक भारत को पूर्ण अधिकार, पूर्ण अधिकार प्राप्त है, यहां तक बेटा हमें पूर्ण अधिकार प्राप्त है, चाहे किसी जलीय जीव का संरक्षण करें, चाहे कोई डैम या परियोजना लगा दें, या किसी जीव का संरक्षण करें, या साफ सफाई करें, 12 नॉटिकल मील तक कंप्लीट अधिकार प्राप्त है हमें। और श्रीलंका और भारत के बीच का जो विवाद है ये भी इसी कारण है, क्योंकि पंबन द्वीप, 12 नॉटिकल मील का मतलब क्या, लगभग 22 किलोमीटर, एक नॉटिकल मील में कितना, तो आप कहा यहाँ पर लिख दीजिएगा कि एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है, 1.8 किलोमीटर, एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है, 1.8 किलोमीटर होता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहीं से दोस्त, इसी तट से चाहे इधर, चाहे इधर, और चाहे इधर, 24 नॉटिकल मील जब चले आए अब, कितना, 24 नॉटिकल मील, तो ये कहलाएगा संलग्न क्षेत्र, जहाँ से हमारी नेवी अपनी सीमाओं का संरक्षण करती है, और जहाँ से हम लगाते हैं कस्टम ड्यूटी, क्या लगाते हैं, कस्टम ड्यूटी, इसे कहते हैं संलग्न क्षेत्र। तो 24 नॉटिकल मील क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 24, यन का मतलब नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील क्या कहलाएगा, संलग्न क्षेत्र, क्या कहलाएगा, संलग्न क्षेत्र। यहीं से हम दो चीज करते हैं, क्या, सीमा का संरक्षण, समुद्री सीमा का संरक्षण करते हैं अपने, समुद्री सीमा का संरक्षण यहीं से करते हैं हम लोग, समुद्री सीमा का क्या करते हैं, यहां से संरक्षण करते हैं, और यहीं से क्या लगाते हैं, कस्टम, कस्टम ड्यूटी, यानी क्या, सीमा शुल्क, सीमा शुल्क कहाँ से लगाते हैं, यहीं से लगाते हैं सीमा शुल्क, कहाँ से, 24 नॉटिकल मील से। तो तीन मील हो गया, एक मील और होता है जिसे आप क्या कहते हैं, ईईजेड, ईईजेड, क्या फुल फॉर्म इसका, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन आर्थिक क्षेत्र कहलाता है ये, ये कितना होता है, ये होता है 200 नॉटिकल मील, क्या होता है, 200 नॉटिकल मील। कोई देश समुद्र में 200 नॉटिकल मील तक भी दावा कर सकता है, कोई देश समुद्र में 200 नॉटिकल मील तक भी दावा कर सकता है, बशर्ते वो देश ये सिद्ध कर पाए, बशर्ते वो देश
ये सिद्ध कर पाए कि समुद्र में उसका कोई जो है महत्व है। अगर 200 नॉटिकल मील तक सिद्ध कर देता है तो ये क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा क्या, EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। आज इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया का क्लास लगभग समाप्त हो रहा है। अब आपको दो बातें तीन और जान लेना है, क्या भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन है, तो आप बताओगे क्या सर राजस्थान है। क्या है, राजस्थान है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य क्या है, राजस्थान है। दूसरा आप कहोगे भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन है, तो आप उत्तर क्या बताओगे बेटा, गोवा। क्या बताओगे आप, गोवा। अब अगर यही बात आपसे पूछता कि भारत का जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य, तो सबसे बड़ा राज्य आप क्या बताएंगे, यूपी। हम दो हमारे 12, ठीक है। और अगर सबसे छोटा पूछता तो भारत का सबसे छोटा किसके आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, तो आप उत्तर क्या बताएंगे, सिक्किम। तब उत्तर क्या बताएंगे आप, सिक्किम। यहां आपको सिक्किम के बारे में दो बातें और जान लेनी है, क्या, हालांकि पॉलिटी में आप इसको पढ़ेंगे, सिक्किम के बारे में आपको जानना है एक, क्या 35वां संविधान संशोधन। बेटा जब भारत आजाद हुआ तो सिक्किम ना भारत का हिस्सा था, ना पाकिस्तान का हिस्सा था, ना चीन का हिस्सा था, आजाद था। तो सिक्किम को फिर भारत संघ में कैसे शामिल किया गया, तो आप बताओगे क्या 35वां संविधान संशोधन किया गया, 35वां संविधान संशोधन 1974 में सिक्किम को क्या बनाया गया, तो आप कहोगे सर सिक्किम को सह राज्य बनाया गया। क्या बनाया गया, सह राज्य। फिर इसके बाद आपको उत्तर क्या बता देना है कि 36वां संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन के तहत 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य बनाया गया, ठीक है। ये था इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया के बारे में। अगर हम लोग सबसे बड़े और छोटे यूटी की बात करें भारत में, सबसे बड़ा यूटी, तो आप सबसे बड़ा यूटी वर्तमान में क्या बताएंगे, लद्दाख सबसे बड़ा यूटी है। और सबसे छोटा आप क्या बताएंगे, तो आप लक्षद्वीप। क्या बताएंगे आप, लक्षद्वीप सबसे छोटा यूटी है। उम्मीद है आपने भारत के समान परिचय को बहुत ठीक से पढ़ लिया है, और मेरा पूरा विश्वास है कि आप एकदम सही उत्तर करके आएंगे। चलिए देखते हैं सवाल अब आपको, क्या भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, भारत के मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई, द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई, कुल लंबाई मैप पर बना के दिखाया आपको, भारत के तटीय राज्यों का क्रम बता दिया आपको, यूटी और तटीय राज्य बता दिया आपको, पुदुचेरी के बारे में बता दिया आपको, इसके अलावा क्या हमारे श्रीलंका के बीच जो पम्बन द्वीप का मामला है, आदम ब्रिज, वो बता दिया आपको, नॉटिकल मील जलीय सीमा बता दिया आपको, 12 नॉटिकल मील क्या कहलाता है, प्रादेशिक सीमा,
24 नॉटिकल मील क्या कहलाएगा, संलग्न क्षेत्र, और 200 नॉटिकल मील ईईजेड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अनन आर्थिक क्या कहलाएगा, क्षेत्र कहलाएगा। उसके बाद भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य, सबसे छोटा राज्य। गोवा वगैरह के बारे में हम लोग पॉलिटी में पढ़ेंगे। गोवा कब आज़ाद हुआ, 1961 में, सबसे पहले पुर्तगाली आए, सबसे बाद में गए। 1987 में इसको पूर्ण राज्य बनाया गया, पहले गोवा को भी यूटी बनाया गया था। कैसे बनाया गया था ये सब बात मैं आपको पॉलिटी में पढ़ाऊंगा, ठीक है। सिक्किम के बारे में यहाँ मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, सबसे छोटा जिला बता दिया है। कंप्लीट है आपका एक चैप्टर, यहाँ से कंप्लीट हुआ इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। मित्र जैसे लगे हो, भाई बहन जो भी आप समझ लें, जैसे लगे हमारे चैनल के साथ लगे रहें या बहुत मेहनत करके आप तक वीडियो पहुंचा रहे हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है, ज्योग्राफी लग रहा है कि आपको मज़ा आ रहा है यार, आप सीख रहे हो, तो बिल्कुल पहुंचाओ, देखो, ठीक है, बिल्कुल क्लास को पहुंचाएं, शेयर करें, बस इतना ही करें ना, आपको 10 KB लगाना है और क्लास को शेयर कर देना है। क्लास को शेयर करोगे, जितना ज़्यादा यार शेयर करोगे उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, कुछ और नए एनर्जी के साथ आपको नए तरीके से कुछ और नए तरीके देने के प्रयास करेंगे। हालांकि मेरा यह मानना है कि जब भी आप यूट्यूब खोल कर किसी भी चैनल को देखोगे, अब तक का मैं जो मैंने एनालिसिस किया है, इतना डिटेल आपको इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया शायद कोई पढ़ाता हुआ मिलेगा आपको यूट्यूब में फ्री में, शायद इतने क्रम में आपको कोई पढ़ाता हुआ मिलेगा। आप बाकायदा अपना नोट्स बना सकते हैं, आपको पूरी ऑफलाइन वाली क्लास वाली फीलिंग आ रही होगी, ठीक है। पढ़िए दोस्त, पढ़िए पढ़िए, स्ट्रगल सबके जिंदगी में है ना, स्ट्रगल हम स्टूडेंट के लाइफ का ना, स्ट्रगल हम स्टूडेंट के लाइफ में उस प्रैक्टिस सेट की तरह है जिसमें 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होते हैं, और काला करने के लिए ना कोई स्ट्रेस समय भी नहीं मिलता है। दुनिया में स्टूडेंट को कुछ भी बोल ले, पर एक बूढ़े माँ बाप से इसके लिए इससे बढ़कर दर्द उसके लिए क्या होगा, एक बूढ़े माँ बाप के लिए इससे बढ़कर दर्द क्या होगा कि उसका बेटा क्या बैठा है, बेरोजगार बैठा है, ठीक है। तो लगातार आप पढ़िए, पढ़ाई पर अपने ध्यान दीजिए, ठीक है। फिर से बताता हूँ, स्ट्रगल हम स्टूडेंट के लाइफ का वो हिस्सा है, उस अभ्यास प्रश्न पत्र की तरह है जिसमें एक मिनट में, जिसमें 60 मिनट में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, लेकिन लेकिन गोला करने के लिए कोई इस तरह समय नहीं मिलता है। दुनिया हम स्टूडेंट को कुछ भी बोल ले, लेकिन एक बूढ़े माँ बाप के लिए इससे बढ़कर दर्द क्या होगा कि उसका जवान बेटा बेरोजगार बैठा है, ठीक है। वो तुम्हारे 10x10 के हॉस्टल के कमरे, वो लहसुन से छौके हुए दाल, ठीक है, वो 10x10 के कमरे में सदियों से तुम्हारे अधूरे सपने मैं महसूस कर सकता हूँ। मैं महसूस कर सकता हूँ कि 10x10 के कमरे में तुम्हारे छज्जों पर बढ़ते रफों की गड्डियाँ, वो मैं फील कर सकता हूँ। उससे बाहर निकलना है, मैं उस महक को महसूस कर सकता हूँ। तेरा ही साया मैं हूँ दोस्त, तुझ में समाया मैं हूँ, हर पल ये लगता है मुझे, तेरा ही साया मैं हूँ तुझ में समाया मैं, वहीं से निकल कर यहाँ तक आए हैं, ठीक है। तो उससे बाहर निकल दोस्त, दुनिया आपका इंतजार कर रही है, खा बाहर खड़े होकर, लड़ उस 10x10 के कमरे से और बाहर निकल और पढ़ाई कर, और पढ़ाई कर बाहर निकल, अपनी विरासत की ओर जा, ठीक है। तब तक हमें देखने के लिए, ये क्लास लेने के लिए, क्लास को शेयर करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब हमारे चैनल के साथ बने रहें, तब तक हमेशा की तरह अपनों और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए और व्यस्त रहिएगा।